जब ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई नहीं, दूसरा कोई कारण आप बता नहीं रहे थे। खुद स्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट ने ये बात कही है कि जो मौतें हुई हैं वो नेचुरल हुई हैं। सरकार से ये पूछे कि वो मौतें कैसे हुई। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। 10 और 11 अगस्त 2017 की रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक ट्रेजेडी हुई। तकरीबन 30 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई और कारण बताया गया ऑक्सीजन की कमी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एफआईआर फाइल हुई, कई जांच कमेटी की रिपोर्ट्स आई। उसके बाद कुल 9 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसमें 4 डॉक्टर्स हैं। 4 में से 3 डॉक्टर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हैं। एक नाम जो उस वक्त सबसे ज़्यादा उभर के सामने आया था, डॉक्टर कफील अहमद खान का, जिनको एक हीरो की तरह दिखाया गया था, जिन्होंने बहुत कोशिश की थी। हालांकि वो उस दिन ड्यूटी पे नहीं थे, उन्होंने लीव लिया हुआ था, लेकिन फिर भी जब उनको ये मैसेज मिला कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो उस दिन हॉस्पिटल आए और आके उन्होंने ऑक्सीजन अरेंज किया। तो उस वक्त डॉक्टर खान को एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था, फॉर गोइंग एक्स्ट्रा माइल एंड टू सेव द लाइफ ऑफ सो मेनी चिल्ड्रेन। हमारे साथ उस इशू पे बात करने के लिए डॉक्टर कफील की वाइफ डॉक्टर शबिस्ता मौजूद हैं और डॉक्टर कफील के बड़े भाई अदील खान साहब मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप ये बताएं कि क्या कुछ हुआ, चूँकि आप ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं, जो कुछ भी हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या वजह थी उतने बड़े तादाद में बच्चों की मौत की? ठीक है, मैं तो ये कहूँगी कि जिस दिन ट्रेजडी हुई थी 10th ऑफ अगस्त की नाइट में, इनके पास एक मैसेज आता है, एस कोर ग्रुप होता है इनका, व्हाट्सएप का है, उसमें आता है 12:30 बजे मैसेज आ रहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ख़त्म हो रही है सर, ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जैसे मैसेज देखा, फौरन इन्होंने एक्टिंग प्रिंसिपल को कॉल किया, HOD को कॉल किया, DM को कॉल किया, कमिश्नर को कॉल किया, और मतलब काफ़ी लोगों ने कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात हो रही है, कम हो रहा है ऑक्सीजन, और ये खुद कॉल भी किया और डॉक्टर सतीश को भी कॉल किया। फिर ये निकल गए मेडिकल कॉलेज के, निकल गए अरेंज करने के लिए ऑक्सीजन। फिर इन्होंने वहाँ पर गए तो वहाँ पर काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, प्रेशर बहुत लो हो गया था। उसके बाद इन्होंने कई लोगों से, मतलब कई हॉस्पिटल से, राणा हॉस्पिटल, आनंद लोग हॉस्पिटल, आर्यन हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल को कॉल किया कि भैया मुझे सिलेंडर दे दो, क्योंकि एक दो सिलेंडर से काम नहीं चल रहा था, काफ़ी सिलेंडर हमें चाहिए थे। तो कई लोगों ने सिलेंडर दिया, बट ले जाने में दिक्कत हो रही थी कि गाड़ी से एक सिलेंडर, इतने बड़े बड़े सिलेंडर होते, जाने में दिक्कत हो रही थी। तो इन्होंने SSB के DID से बात की, सर अपना टैंक दे दीजिए, उसमें हम कई सिलेंडर्स ले जाएंगे। तो उन्होंने वो मान गए, उन्होंने दे दिया, अपने जवान भी दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, जबकि 10th के दिन इन्होंने छुट्टी पे थे, बट इन्होंने जब मैसेज देखा कि वाकई ऑक्सीजन की ख़त्म हो रहा है, तो ये फ़ौरन भाग कर भी गए वहाँ पे, गया सब कुछ मैनेज वैनेज किया। फिर कई डॉक्टर्स को, मतलब वो बुलाया भी, DM मतलब सबको फ़ोन भी किया कि सर बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हो, मतलब कई लोग बच्चे मर भी रहे हैं और अकेले हम हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, ये है वो। उसके बाद करते करते फिर जंबो सिलेंडर भी लाए, तो जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसको इन्होंने, लिक्विड ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसको इन्होंने जंबो सिलेंडर से मैनेज कर दिया। हाँ, ये बात जो होती है कि बच्चे मरे थे, तो सिर्फ बच्चे ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे थे, अगर ये डॉक्टर कफील खान उस नाइट में नहीं जाते तो शायद बच्चे ऑक्सीजन कमी से बहुत बच्चे मर जाते, क्योंकि कोई अरेंज करने वाला नहीं था वहाँ पे ऑक्सीजन, तो इन्होंने मैनेज किया। लेकिन जैसे जो बच्चे मेडिकल कॉलेज जाते भी हैं तो कई डिजीज़ से सफ़र करते हैं, और पहले तो वो गांव वाँव से आते हैं, तो कई डिजीज़ उनको होती हैं जो एकदम लास्ट स्टेज क्रिटिकल कंडीशन पहुंच जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं, तो आधे ऐसे ही मर चुके होते हैं, आधे क्वैक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो क्वैक्स के पास जाते हैं, तो ये जब उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वो यहाँ भेज देते हैं, तो कई डॉक्टर, कई पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। तो इसको इंक्लूड कर दिया गया, मतलब जो बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरे, अदर डिजीज से मरे, उसको भी इंक्लूड करके इसमें ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से बच्चे मरे कर, मतलब शो कर दिया, जबकि सब बच्चे ऑक्सीजन सप्लाई से बच्चे इतने नहीं मरे जितने नेचुरल डेथ से मरे। एक खबर मैं पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा है कि किस तरह से पुलिस ने हैरेस किया, जब डॉक्टर कफील के ऊपर FIR हो गई थी, पुलिस सर्च कर रही थी उनको सरेंडर करने से पहले। तो मैंने आपकी बाइट्स कई जगह स्टेटमेंट आपका देखा है, जहां पे आपने बताया कि किस तरह से पुलिस ने आपको हैरेस किया, वो क्या पूरा इंसिडेंट था, आप ब्रीफ करें।
जी हमारे घर पे जब पुलिस हमारे यहाँ टाइमिंग फिक्स था उसका 11 o'clock रात में हमारे घर पुलिस आती थी और एक दो पुलिस नहीं आती थी 50-60 पुलिस पर एक फर्स्ट डे तो हमारे घर 100 पुलिस थे। जब हमने दरवाज़ा ओपन किया पर हम लोग बहुत डर गए थे कि अचानक से एक दो पुलिस समझ में आता भी रात के 11 बजे अचानक नॉक कर दरवाज़ा हमने खोला पूरी पुलिस की फोर्स हमारे घर के अंदर घुस गई। इतनी ज़्यादा पुलिस इतनी ज़्यादा थे कि कदम रखने की जगह नहीं थी पूरे भरे हुए किसी इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि आप पकड़ने आ रहे हैं। उसके बाद से वो आते हैं बैठते हैं और हमसे बात करते हैं कुछ पुलिस हमारे घर में घूमते रहते हैं ये उठा के देख रहे हैं वो उठा के देख रहे हैं मतलब ऐसा लगता था उनका खुद का वो है कि कुछ भी करेंगे और मतलब रात के 11 बजे आते थे और 3 बजे तक रहते थे और ये एक दिन की बात नहीं ये लगातार 4-5 दिन था और बैठा के घंटों घंटों पूछते थे। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा स्केर्ड बहुत ज़्यादा डर गई थी देखकर क्योंकि सोने का टाइम होता था उस टाइम पुलिस आती थी और पुलिस मतलब बहुत बेरहमी से शोर मतलब इतना ज़्यादा ऊपर नीचे और मुझे बहुत शुरू में तो फर्स्ट है तो बहुत बदतमीजी से बात किया था कि अपने हस्बैंड को बुलाना तो आपको भी थाने में बैठा देंगे फिर आपको बुलाना पड़ेगा ये सब तो फिर धीमे धीमे नॉर्मल हो गया था लेकिन 3-4 दिन हम लोग को पुलिस बहुत परेशान की थी। यहाँ तक कि हमारे घर कैमरा भी लगा सीसीटीवी कैमरा उसका DVR निकाल के लेके चले गए वो लोग कि उनके कोई रिकॉर्ड्स ना मिले। आप मुझे अदील साहब बताएं कि आप केस को देख रहे हैं 8 महीने से डॉक्टर कफील जेल में हैं और उनके साथ और भी जो डॉक्टर्स हैं क्या लीगल हर्डल आ रहे हैं क्या चार्जेस हैं और क्या उसके पीछे आपका क्या डिफेंस है। जो FIR हुई 23 अगस्त को तो उस वक्त जो है डॉक्टर कफील के ऊपर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगाए गए थे। IT एक्ट लगा हुआ था IMA एक्ट लगाया हुआ था 420 लगाया हुआ था करप्शन के चार्जेस लगाए हुए थे और 409 गबन का है वो और बच्चों का मास मर्डर का होता है संभावना हो तो उसको 308 बोलते हैं और ग्रुप में कॉन्स्पिरेसी मतलब ग्रुप्स कई लोग मिल के करते हैं तो 120 भी लगाया हुआ था। लेकिन जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने जब 22 नवंबर को चार्जशीट फाइल की तो डॉक्टर कफील के ऊपर 3 चार्जेस उन्होंने फ्रेम किए बाकी करप्शन चार्जेस से डॉक्टर कफील को इक्वेटल कर दिया आपका 420 से इक्वेटल हो गए 120 से अरे IT एक्ट से हो गए और IMA एक्ट से। कफील के ऊपर चार्जशीट में 409 बना और 308 और 120 फाइनल उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ। जो 409 इनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया हुआ है वो समझ से परे इसलिए क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं। डॉक्टर कफील जो है थोड़ा सा हेल्पफुल रहते थे सबके लिए तो जब कोई भी डिपार्टमेंट में कोई चीज़ हो जाती थी आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सामान मंगाना हो तो प्रॉपर लेटर लिखना पड़ता है आप डायरेक्ट नहीं मंगा सकते हैं तो अपनी जेब से वो रेगुलर मंगाया करते थे या आप BRD में किसी से भी पूछ सकते हैं नॉर्मल है। कफील और कफील के अलावा और भी जो अच्छे डॉक्टर और भी डिपार्टमेंट में है उसमें वो लोग भी मंगाया करते थे ये नॉर्मल रूटीन है डॉक्टर का काम है सेफ करना तो वो जहाँ भी होता है थोड़ी बहुत अपनी भी मदद कर देता है। तो डॉक्टर कफील ने उसमें मेडिसिन मंगाई थी शू कैप कवर मंगाया था मास्क मंगाया था हेयर कवर मंगाया था ये सब कभी फिनाइल ख़त्म हो गया कभी किट ख़त्म हुई तो ये टोटल 34,683 रुपए हैं जो जिसका चेक डॉक्टर कफील के अकाउंट में आया था वही एक इनको सबूत मिला उस बेसिस पे 409 हुआ। 308 तो डॉक्टर्स के ऊपर बनता भी नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ है कि डॉक्टर के ऊपर बच्चों के मारने की संभावना क्योंकि डॉक्टर खुद जो है वो बच्चों का डॉक्टर है वो तो बच्चों को बचा रहा है तो ये 3 चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम हुए हैं। हम जो है अक्टूबर में हमने बेल एप्लीकेशन बहुत हम लोग भी डरे हुए थे हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की वहाँ पे सेशन कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे कोर्ट नंबर 3 राकेश धर दुबे के उस जज साहब हैं उनके कोर्ट में हमने फाइल की और 17 नवंबर को हमारी बेल रिजेक्ट हो गई। तो आप देखेंगे उसमें जज साहब ने 409 पे एक क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है कि इस पे ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इस पे डाउट उन्होंने किया हुआ है तो जज साहब बेल नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने उस जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद हम मूव किए हाई कोर्ट के लिए हमने जो है वो हमको 11-12 डेज लगा फिर हमारा नंबर आया फिर उसके बाद उन्होंने
काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट काउंसिल ने जमा किए, फिर पुलिस रिपोर्ट नहीं दे रही है, फिर उसमें डेट मिल रही है, पुलिस रिपोर्ट आने में 2-3 महीने लग गए, फिर वो डेट कहीं ना कहीं मिस हो गई, इधर उधर चली गई, तो उसमें 6 डेट हो गई है। कल हमारी 20 अप्रैल को डेट थी जिसमें हमने रिज्वाइंडर 30 मार्च को मैंने जमा किया है। अब आप सोचिए 30 मार्च से लेके अभी तक हम गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं कि जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में वो डाटा अपडेट नहीं हुआ है। अब इसमें डॉक्टर कफील या डॉक्टर की क्या गलती है या हमारी क्या गलती है? आपको क्या लगता है ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसमें डॉक्टर कफील को स्केप गोट बनाया जा रहा है, ऐसा आपका एलिगेशन है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो स्केप एक गोट? जैसे डॉक्टर कफील लास्ट अगर आप देखेंगे तो 3.5 ईयर से बीआरडी के पार्ट हैं, उसमें से वो 2.5-3 साल जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थे। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाइड किया और 8 अगस्त को वो 2016 को वो बीआरडी एज ए लेक्चरर ज्वाइन करते हैं। तो आप न्यू एंट्री जो डॉक्टर है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ही नहीं है, तो उसको चार्ज फ्रेम क्यों किया गया? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कफील के बारे में अब तक जो जितनी बातें लिखी गई हैं बोली गई हैं उसका फैक्चुअल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि डॉक्टर कफील सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चरर बीआरडी कॉलेज के पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एज पेडियाट्रिशियन एक लेक्चरर थे, ये नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि ये कहा गया है कि डॉक्टर कफील 100 बेड एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम वार्ड के कहीं आप पढ़ेंगे नोडल ऑफिसर हैं, कहीं पढ़ेंगे इंचार्ज हैं, ये फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर कफील लेक्चरर थे बीआरडी कॉलेज के पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। सेकेंडली, डॉक्टर कफील एनएचएम के नोडल ऑफिसर थे जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके काम करता है और 100 इंसेफलाइटिस एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम वार्ड 100 बेड का जो वो वार्ड है उसमें इन ना ये इंचार्ज थे या ना नोडल ऑफिसर थे, ये सिर्फ और सिर्फ एनएचएम के नोडल ऑफिसर थे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि वो जो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वार्ड में उनकी अटेंडेंस को इंश्योर कराना, उनका सैलरी पेमेंट इंश्योर करना और वो उनके काम को सुपरवाइज़ करना और हायर अप्स से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके लिए उनको डायरेक्ट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कराना। आगे हम आप मुझे आदिल साहब ये बताएं कि बहुत क्लियर कट जब हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं, चार्जशीट पढ़ते हैं, सब में ये चीज़ दिख रही है कि डॉक्टर कफील को इंचार्ज 100 बेड एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम वार्ड का उनको इंचार्ज बताया जा रहा। इसके पीछे किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी आपको लगती है, क्या है ये? ये डॉक्टर कफील के पीछे कॉन्स्पिरेसी तो है ही। आप डॉक्टर कफील को फ्रेम कैसे करेंगे, उसको इस स्केपगोट कैसे बनाएंगे? अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि डॉक्टर कफील नोडल अफसर 100 वार्ड नहीं है तो आप ब्लेम कैसे कर पाएंगे? आज जो 409 चार्ज लगाया हुआ या 308 लगाया, ये फ्रेम आउट कैसे करेंगे? और पहले जो सारे चार्जेस लगाए थे करप्शन के चार्जेस क्यों लगाए थे? क्योंकि 100 वार्ड का इंचार्ज दिखा के 100 वार्ड में जो मेडिसिन आती है उसमें दिखा देंगे, जो 100 वार्ड में दवा क्या नाम है एसी लग रहा है, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो रही है, चाहे सामान कुछ आ रहा है, कैप आ रही है और जो बेडशीट आ रही है, वो सब में उन्होंने कमीशन दिखाया हुआ है कि डॉक्टर कफील पंखा बदलवा रहे हैं तो उसमें कमीशन ले रहे हैं, एसी बदलवा रहे हैं तो उसमें कमीशन ले रहे हैं। आप उसमें पढ़ेंगे 93% का उसमें उन्होंने बयान लिया है, उसमें यही दिखाया है कि डॉक्टर कफील जो है वो पूर्णिमा शुक्ला के साथ थे और तब तक एक आदमी आया एनवलप में पैसा दिया। अगर आप हटा दीजिए कि डॉक्टर कफील 100 वार्ड के इंचार्ज नहीं हैं तो ब्लेम कैसे लगा पाएंगे? तो इसलिए जानबूझ के डॉक्टर कफील को फ्रेम किया गया कि डॉक्टर कफील 100 वार्ड के नोडल अफसर हैं, जबकि 100 वार्ड के नोडल अफसर
डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा हैं जो कि कफील से सीनियर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको जो है वो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है 11/5 का, उनको बनाया गया है। और उन जब क्या नाम है कफील को हार्ट अटैक आया था उस टाइम में भी डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को ही कफील का चार्ज नोडल अफसर का दिया गया था। शुरू से 11/5/2016 से लेके टिल डेट जिस दिन इंसिडेंट हुआ, इंसिफ्लाइटिस वार्ड 100, जेई इंसिफ्लाइटिस और एएस एक्यूट इंसिफ्लाइटिस सिंड्रोम, वो 100 वार्ड के इंचार्ज वही रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा। डॉक्टर कफील का इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे कि अगर वो उसको हटा दिया जाए तो कुछ नहीं है। इवन आपको इस चीज़ में मतलब कि मीडिया में साथियों ने इसको ध्यान नहीं दिया, रिपोर्ट्स जो है कोई गया नहीं कोर्ट से पेपर निकलवाने, जिस बंदे ने डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता ने एफआईआर कराया है उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो 6% की आई है, डीएम की, डॉक्टर हेमचंद्रा पीजीआई की, डॉक्टर चेलानी जो नड्डा सर के साथ आए थे, कमिश्नर साहब की, डीजीएमई की और जो है चीफ सेक्रेटरी राजीव सिंह की, डीजीएमई साहब अपनी 12 पेज की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर कफील जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस और क्या नाम सर्विस में थोड़ा अपना उस दिन इररेगुलरिटीज़ किए, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर सतीश जो हैं वो नोडल अफसर 100 हैं। तो अब आप ऐसे समझ जाइए कि एफआईआर से पहले उन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक, और उसके बाद एफआईआर जब वो कराते हैं हज़रतगंज थाने में 23 तारीख को रात में 11 बजे तो उसमें वो लिखते हैं कि डॉक्टर कफील इंसेफ्लाइटिस वार्ड 100 है। आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन है, आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को और उसमें लिखते हैं कि डॉक्टर सतीश जो हैं 100 वार्ड के प्रभारी हैं। आपको यही नहीं पता है कि भूपेंद्र शर्मा हैं, कि डॉक्टर कफील हैं, कि डॉक्टर सतीश हैं। आपके हिसाब से अगर डॉक्टर सतीश हैं तो आपने एफआईआर में डॉक्टर कफील का नाम कैसे दिया? यहाँ पे डॉक्टर शविस्ता आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने शुरुआत में ये कहा कि वहाँ पे जो मौत हुई है वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है या इनकेफ्लाइटिस ही एक वजह नहीं थी मौत की, बहुत सारे रीजंस हो सकते थे। उसमें एक और जो बात आई इनिशियली कि वो जो वार्ड है उसकी वो एक तो NICU है, बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है वहाँ पे। जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो देखा था खिड़कियाँ खुली हुई थी, एसी ख़राब थे। ये कैसे हो सकता है कि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है आप उसकी विंडो खोल दें ताकि बाहर से इन्फेक्शन अंदर आए, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, शूज़ पहन के जा रहे हैं आ रहे हैं, तो कहीं क्या आपको ये लगता है कि सारे पूरे इंसिडेंट को क्लब करके उसको एक ऑक्सीजन की कमी पे लाके डाल दिया गया ताकि गवर्नमेंट के जो अपने मैनेजमेंट फेल्योर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर थे, जिसकी वजह जो मौत की बड़ी वजह हो सकती थी उससे अटेंशन हटाने के लिए ये मैसेज दे दिया जाए कि ऑक्सीजन की कमी हुई? और इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? ये तो बात सही है कि आप एक बार BRD का सर्वे करिए और जाके देखिए जहाँ पेशेंट लेटते हैं वहीं पर डॉग्स भी आते हैं लेटते हैं। तो और बात तो जनरल वार्ड की करिए, जनरल वार्ड तो छोड़ दिया, NICU की हम बात करते हैं कि NICU में एक एक क्रैडल, एक एक वेंटिलेटर पे चार चार बच्चे हैं, जिसको इन्फेक्शन नहीं भी होना होगा उसको भी इन्फेक्शन होगा। बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं, कितने नाजुक होते हैं कि अगर किसी एक को सेप्सिस होता है, अगर दूसरा टच करता है तो उसको जाता है, वहाँ पे तो एक क्रैडल पे चार चार बच्चे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक को अगर हुआ है कुछ भी तो दो तो ऐसे ही मरेंगे। तो पहले तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, कोई आज की मैं कंडीशन बता रही हूँ कि एक भी मेडिसिन नहीं है और एक पैरासिटामॉल चलती है और एक कोई ऐसे लॉक दे देते हैं नॉर्मल, वो अगर आपको लूज मोशन भी हो रहा है तो आपको पैरासिटामॉल पकड़ा देंगे, कुछ भी मतलब फीवर की दवा दे रहे हैं, उन पर मेडिसिन भी है। और जब ये ट्रेजेडी हुई तो डॉक्टर्स इतना डर गए हैं कि वो अब किसी पेशेंट को हैंडल नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर्स की इतनी कमी है और वहाँ पे डॉक्टर्स गिनती के डॉक्टर्स हैं और पेशेंट इतने ज़्यादा हैं तो कोई भी नहीं। तो हमें तो पहले से वहाँ पे मैनेजमेंट वहाँ का संभालना पड़ेगा, कैसे है क्या है, कैसे बच्चे मरे हैं। जब आप प्रॉपर उनको केयर नहीं दोगे, प्रॉपर आप कुछ उनके लिए करोगे नहीं तो बच्चे तो मरेंगे। तो अपनी गलती आपका जो था कि आपका अपनी खुद की गलती थी, आपका मैनेजमेंट
नहीं अच्छा था, आपका सब कुछ था, तो आपको उसकी कमी, अपनी कमियों को छिपाने के चक्कर में आपने पूरा ब्लेम उठा दिया, ऑक्सीजन सप्लाई से बच्चे मर गए। और आज तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, आज तो उससे ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। क्यों बच्चे मर रहे हैं? इंसेफ्लाइटिस आज से कितने साल से, अभी तक क्यों नहीं उसका क्योर हो रहा है? क्यों नहीं उसके लिए कुछ आवाज़ उठाई जा रही है? और एक ही मेडिकल कॉलेज है, अभी तक कुछ ना कुछ उसके लिए और भी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहिए था, और भी कुछ हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ आज तक उसके। आज भी बहुत बच्चे मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसको उठा के सब ऑक्सीजन सप्लाई से इतने बच्चे मरे और उससे ज़्यादा अब मर रहे हैं। अब किससे मर रहे हैं? अब कौन से डॉक्टर कफील खान आके सबको मार रहे हैं? हाँ डॉक्टर कफील, अभी उनके साथ और भी डॉक्टर्स हैं, आप जाते हैं मिलते हैं, क्या कंडीशन है वहाँ पे जेल में और लोगों की इनकी? जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में 8 लोग हैं, एक मनीष भंडारी जो हैं उनको बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, बाकी जो 8 लोग हैं किसी की भी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर आप इन उनको टेस्ट कराएंगे तो कोई भी नॉर्मल नहीं मिलेगा। आप ये समझिए कि 8 महीने हो गए और 8 लोग वहाँ पे जेल में रह रहे हैं, जेल ओवरक्राउडेड है, 800 बंदी की वहाँ पे जेल है, 1892 में बनी है, आज तक उसका एक्सपेंशन हुआ नहीं, 2000 लोग इस वक्त जेल में रह रहे हैं, ओवरक्राउडेड है जेल, तो किसी को ना प्रॉपर सोने को मिल पा रहा है, ना प्रॉपर खाने को है, ओवरक्राउडेड है रूम में। डॉक्टर कफील को मुलाहजा बैरक में रखा गया है जहाँ रोज़ पेशेंट आते हैं, ये हॉल से आप बड़ा हॉल समझ लीजिए, और उसमें 100-130 लोग 6 बजे अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे निकलना, गर्मी से और सारी चीज़ों से जो है वो उसी में पड़ा रहता है। तो कोई जो है डॉक्टर सतीश हों, डॉक्टर कफील हों, डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला हों, डॉक्टर राजीव हों, चाहे वहाँ जो क्लर्कियल स्टाफ है सुधीर पांडे, उदय शर्मा और सुधीर त्रिपाठी, सबकी हालत बहुत ख़राब है। सब लोग जो है वो आप मिलने जाओ तो अपने पेरेंट्स से जो भी है, वाइफ हैं, मदर हैं, भाई हैं, उनसे इरिटेट होकर बात करते हैं, चिल्लाते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्यों हम लोग को बेल नहीं मिल रही, हमने क्या गलत किया है। उसमें डॉक्टर राजू मिश्रा की अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको जो है वो लीवर सिरोसिस हो गया है, वो ओसोफेगस में भी प्रॉब्लम हो गई है, इसके अलावा उनका हार्ट का एक पार्ट भी बढ़ गया है, 12 दिन वो राम मनोहर लोहिया लखनऊ में एडमिट थे। तो सबकी हालत डिट्रेट कर रही है। डॉक्टर राजीव मिश्रा जो हैं डायबिटिक हैं, कार्डियक हैं, उनका तो जेल में रहना बहुत, मतलब समझ लीजिए उनकी जान को मतलब बचना बहुत मुश्किल है। अगर उनको बेल सुप्रीम हाई कोर्ट से गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द सारे डॉक्टरों को बेल दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर कफील एंड डॉक्टर राजीव मिश्रा तो वो उन लोगों का ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करना भी बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग एज भले ही हो लेकिन कार्डियक पेशेंट, तो आप जान रहे हैं कि आज हार्ट की प्रॉब्लम किसी भी एज में हो जा रही है, तो दोनों कार्डियक पेशेंट हैं। तो न्यायालय से ये अपील है कि उनको जल्द से जल्द बेल दी जाए। हमारा एक सवाल अदील साहब से और है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी कमेटी ने उस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया, कमिश्नर रैंक के एक ऑफिसर की इंक्वायरी कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया, चीफ सेक्रेटरी ने इन्वेस्टिगेट किया, जो मोर और लेस सारे रिपोर्ट्स एक तरह की हैं और जिसमें कहीं पे डायरेक्ट किसी तरह का कोई चार्ज डॉक्टर कफील या और डॉक्टर्स पे नहीं दिखता है। दूसरी तरफ इतने सारे लोग हैं, अगर पुष्पा सेल जो ऑफिशियल सप्लायर था वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का, उसने पेमेंट रोकी, उसका वैलिड रीज़न है उसके पास, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन आप किसी आदमी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका बिजनेस इंटरेस्ट है, आप पैसे नहीं देंगे तो वो सप्लाई बंद करेगा, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन, चूंकि वो हॉस्पिटल था, बच्चे थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उसको चार्ज कर सकते हैं, लीगली नहीं। तो पुष्पा सेल के इतने सारे रिमाइंडर्स आने के बाद पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट लेट हुआ, इसके लिए जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर भी हैं, डायरेक्टर जनरल, लेकिन क्यों डॉक्टर्स ही को टारगेट किया जा रहा है? कहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहाँ हैं? जैसा मैं कल डॉक्टर कफील के एक लेटर को देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि इंटीमेशन वो सारे लेटर सबको गए थे एक्सेप्ट डॉक्टर कफील, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जाती है? क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, DM जो होता है उसके पास
इमरजेंसी फंड भी होता है। डीएम राजीव रतेला जो गोरखपुर के उस दौरान डीएम थे, उनको लगभग 19 लेटर्स पुष्पा सेल्स ने लिखे होंगे। वो मार्क रहता था एचओडी डॉक्टर महिमा मित्तल को, और वो डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डीजीएमई को मार्क रहता था। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो टाइम से पेमेंट दें। 68 लाख रुपीस उसके बाकी थे, वो बार बार रिमाइंडर दे रहा था, लेकिन इन लोगों ने क्या वजह थी ये तो इन्वेस्टिगेशन हो अगर तब पता चलेगा, लेकिन इन लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया और पेमेंट नहीं हुआ। आज शायद अगर पेमेंट होता तो ना ही जो है वो गैस इंटरप्ट होती, ना ही ये हादसा बहुत बड़ा होता, और ना डॉक्टर्स आज जेल में होते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर महिमा मित्तल हैं, 100 बेड जो वार्ड है, 100 बेड एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम वार्ड जो एनएचएम का 100 बेड का वार्ड है, उसके जो इंचार्ज हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा हैं। ये सब के सब फ्री हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी पे नहीं हैं, फिर भी आप उनको पकड़ के अंदर डाल दे रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न क्या हो सकता है? जैसे रीज़न ये है कि डॉक्टर कफील को जो है वो मीडिया ने उनके अपने वर्किंग पे हीरो बना दिया। डॉक्टर राजू मिश्रा थे नहीं, डॉक्टर सतीश राजीव मिश्रा कहाँ थे? राजीव मिश्रा गवर्नमेंट के ऑर्डर से, वो एम्स का कन्वोकेशन था पैथोलॉजी का, डॉक्टर राजीव मिश्रा एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी हैं, तो वो पैथोलॉजी के कन्वोकेशन में हरिद्वार गए थे वहाँ लेक्चर पे, तो वो बाहर थे। डॉक्टर सतीश के साहबजादे हैं वो बॉम्बे आईआईटी से, उनका कन्वोकेशन था, वो अपने बेटे से मिलने वहाँ जा रहे थे। तो ये इत्तेफाक से ये तीनों लोग बाहर थे, तो इनको फ्रेम कर दिया गया। आप बता रहे हैं डॉक्टर राजीव जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो उस दिन कॉन्वोकेशन एक सेरेमनी अटेंड करने गए हुए थे, जो दूसरे साहब थे वो भी हॉस्पिटल में नहीं थे। मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये बात कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी परहैप्स है ये कि बिना किसी हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किए हुए ये लोग बाहर गए थे। क्या सच्चाई है इसके पीछे की? और अगर कहीं पे कोई छुट्टी पे जाता, वो पूरा गवर्नमेंट सेटअप है, तो उसके बदले में एक इंचार्ज अपॉइंट किया जाता है, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हैं केसेस को, क्या है उसके पीछे की सच्चाई? ये एकदम डीएम साहब की रिपोर्ट में ये गलत बात लिखी हुई है। डॉक्टर राजीव मिश्रा जब गए थे वहाँ पे, तो एक्टिंग प्रिंसिपल राम कुमार जायसवाल जी वो अपॉइंट थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जा सकते, और वो भी तब जब इंसेफ्लाइटिस का पीक पीरियड चल रहा है। तो प्रिंसिपल अपॉइंट, एक्टिंग प्रिंसिपल राम कुमार जायसवाल वहाँ पे अपॉइंट थे, जो कि प्रिंसिपल का वर्क देख रहे थे, और डॉक्टर शहबाज वो एनेस्थीसिया से हैं, वो डॉक्टर सतीश के जहाँ वो अपॉइंट थे। तो उस दिन जो है वो दोनों डॉक्टर अपॉइंट होके गए थे, डॉक्टर कफील ऑफिशियल लीव पे थे, और उस दिन जो है सारे डॉक्टर मौजूद थे। आप देखिए कि अटेंडेंस रजिस्टर से देखिए, जो एसआर जीआर और पीएससी सीएससी मिला के जो वहाँ आते हैं, टोटल 14 डॉक्टर्स हैं। उस दिन 10th ऑफ अगस्त 13 डॉक्टर थे, उन डॉक्टर्स में भूपेंद्र शर्मा भी थे, महिमा मित्तल भी थी, सारे लोग थे वहाँ पे, लेकिन ना भूपेंद्र शर्मा पे कोई चार्ज फ्रेम हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्या है भूपेंद्र मिश्रा, क्यों नहीं वो अकाउंटेबल, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं की जाएगी, क्यों डॉक्टर सतीश और डॉक्टर राजीव की ही अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, और एक डॉक्टर राजीव की वाइफ जो उस हॉस्पिटल से नहीं है, उनको आपने उठा के जेल में रख दिया है, क्या क्या वजह, क्या क्या कनेक्शंस हैं इनके जो अब तक इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है? डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को जो है मेरे ख्याल से उनकी अप्रोचेस कुछ हैं ऐसे जिनकी वजह से उनको फ्रेम आउट कर दिया गया, और भूपेंद्र शर्मा को बचाने के लिए ही कफील को जो है फ्रेम आउट किया गया, क्योंकि कफील के ऊपर जो चार्जेस लगे वो भूपेंद्र शर्मा के ही इंसेफ्लाइटिस वार्ड 100 का ही प्रभारी बना के उनके ऊपर को चार्जेस लगा दिए गए।
जबकि है नहीं वो, जबकि वो है नहीं। हम एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है सारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट, तो उस डिपार्टमेंट में जो मुख्य सुरक्षा खाद्य अधिकारी हैं उन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर कफील को जेल में, तो डॉक्टर कफील की तरफ से एडवोकेट ने लिखा कि सर मैं जवाब कैसे दूं, सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं किस पोस्ट पे हूं। तो अंशुमान दुबे जी हैं वो मुख्य प्रमुख सुरक्षा खाद्य वो जांच अधिकारी भी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने लेटर लिखा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को। उस दौरान जो है प्रेम कुमार सिंह जो अम्बेडकर से यहाँ पे आए थे, टेम्प्रेरी प्रिंसिपल थे बीआरडी के, उनको लेटर लिखा कि डॉक्टर कफील को बताया जाए कि डॉक्टर कफील जो है वो 9, 10, 11, 12 के मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उस दिन वो किस पोस्ट पे थे, ताकि वो अपना सफाई दे सकें, अपना जवाब दे सकें। तो प्रिंसिपल ने खुद जो है 25 अक्टूबर को, वो पेपर है हमारे पास जेल में, लेटर लिखा कि डॉक्टर कफील आप उस दौरान जो है नोडल अफसर NHM थे। अच्छा, अब आप सोच लिए प्रमुख सचिव लिख के दे रहा है, फिर उसके बाद DGME भी लिख के दे रहा है, फिर भी जो है डॉक्टर कफील को जेल में रखा गया है। अच्छा। फिर भी डॉक्टर कफील को 100 वार्ड इंचार्ज कह के उसके ऊपर सारे चार्जेस फ्रेम किए। आज अगर डॉक्टर कफील पेपर से देख के डॉक्टर कफील के ऊपर से ये क्लियर हो जाए कि डॉक्टर कफील नोडल अफसर 100 वार्ड JEE/AES नहीं है, तो डॉक्टर कफील के ऊपर कोई चार्ज फ्रेम होगा ही नहीं। डॉक्टर शविस्ता, आप मुझे ये बताएं कि एक जो बात कही गई कि द हॉस्पिटल वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड बीइंग अ डॉक्टर पोस्टेड देयर इन द इन अ वार्ड विच इज मीट फॉर क्रिटिकल पेशेंट, क्रिटिकल चिल्ड्रेन, इन्होंने इंटीमेट नहीं किया, प्रियर इंटरवेंशन मैनेजमेंट को नहीं बताया इन लोगों ने, सारे डॉक्टर्स ने मिलके कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है पहले इन एडवांस। ये सारा कुछ तब किया गया जब ऑक्सीजन अपने डेंजर लेवल को से नीचे चला गया, तब नी जर्क रिएक्शन हुआ और प्रोक्योरमेंट किया गया ऑक्सीजन का। क्या सच्चाई है इसके पीछे की? देखिए, जो पाइपलाइन ऑपरेटर है जो ऑक्सीजन उसमें सप्लाई देता है बलवंत, उसने शायद मतलब उसने 10th की मॉर्निंग में ही डॉक्टर महिमा मित्तल HOD को बता दिया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ख़त्म हो, लेकिन महिमा मित्तल जो HOD है उन्होंने उसको सीरियसली लिया नहीं। और देखिए, डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि ऑक्सीजन का प्रेशर देखें क्या देखें, वो तो वहाँ के जो मेन जो ये लोग काम करते हैं उनके होती है। तो उसने पहले से बता भी रखा था, और एक बार ये पेपर में भी आ चुका था बहुत पहले 30th of July को कि ऑक्सीजन ठप हो सकती है, निकला था पेपर में, तभी उन्होंने इग्नोर किया। तो मैं ये समझ पा रही कि सब लोगों ने जब इग्नोर किया, सब कुछ किया, तो फिर उन लोग कहीं नाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और जिसने सब कुछ अरेंज किया, सब कुछ मैनेज किया, उसको आपने उसके ऊपर FIR कर दिया। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पीक टाइम है, इनकेफलाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं और अचानक से ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है, जो कि बहुत क्रूशियल है बहुत सारे जान को बचाने के लिए। वो एक लाइफ सपोर्ट होता है उस वक्त, उस कंडीशन में वो चला, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है। वो डॉक्टर्स जिसने अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट किया, जिसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे छुट्टी पे होने के बावजूद जब उसको ये मैसेज मिला कि यहाँ पे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज़ हो चुकी है, वो डॉक्टर हॉस्पिटल आता है और उससे जो कुछ भी हो सकता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स को कॉन्टैक्ट किया उसने, वहाँ से कुछ सिलेंडर्स अरेंज किए, SSB की मदद से जो और प्राइवेट सप्लायर्स थे छोटे छोटे उनसे सिलेंडर कलेक्ट करके उस सिचुएशन, डिस्ट्रेस की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। 100% कामयाबी नहीं मिली, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, लेकिन अगर ये नहीं होता तो इससे भी ज़्यादा बड़ी वो जो नंबर है, डेथ टोल है, वो बहुत बढ़ सकता था। उसका रिवार्ड ये दिया जाता है कि
उसको उसके पोजीशन से रिमूव किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, नोडल ऑफिसर के पद से उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद उसको उठा के जेल में रख दिया जाता है। और अब तक उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे लोग पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, बेल तक नहीं सिक्योर की जा रही है। सो ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा सिस्टम है। शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए।